अमरोहा में एसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने किया रक्तदान। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश भर में आयोजित रक्तदान शिविर में आज जनपद अमरोहा में एसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने रक्तदान करके अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आह्वान पर प्रदेश भर में आज सभी जनपदों में रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद अमरोहा की नगर कोतवाली में भी एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें अमरोहा के पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शिविर में पुलिसकर्मियों ने अहम भूमिका निभाते हुए सभी पुलिसकर्मियों ने रक्तदान किया। अमरोहा एसपी विपिन तांडा भी कोतवाली पहुंच गए और अग्रिम पंक्ति में आकर रक्तदान करके लोगों को भी रक्तदान करने की सलाह दी है। एसपी विपिन तांडा का कहना था कि रक्तदान करके आत्मिक संतुष्टि तो मिलती ही है, साथ ही ऐसे मरीजों की भी सहायता होती है जो जिंदगी मौत से जूझ रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से व्यक्ति को कमजोरी नहीं आती और सभी को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि हमारे रक्तदान करने से व्यक्ति को कमजोरी नहीं आती और सभी को रक्तदान करना चाहिए क्योंकि हमारे रक्तदान करने से किसी अजनबी की जान बच सकती है। जो आज ये शिविर आयोजित हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या है प्रोग्राम जी? इसमें आज पूरे प्रदेश में यूपी पुलिस की तरफ से रक्तदान के लिए शिविर आयोजित किए गए हैं, जिसके दौरान हमारे यहाँ थाना कोतवाली में ये शिविर आयोजित किया गया था। इसमें मैंने और हमारे जो जितने भी पुलिसकर्मी हैं सभी ने यहाँ पर रक्त दिया है, और मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि रक्त ऐसी चीज़ है जो कि बीमारी में अस्पतालों में बहुत ज़्यादा तादाद में काम में आता है, और कई बार कमी होने की वजह से कई लोग रक्त के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि जो रक्त है उसे दें, इसे देने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती और स्वतः ही बॉडी में, स्वतः ही शरीर में 3 महीने के अंदर जो भी रक्त जाता है वो फिर से बन जाता है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। मेरा सभी से निवेदन है कि वो भी आगे बढ़ें और रक्तदान दें।